बुलंदशहर से रिशु कुमार, ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। 2000 की नोटबंदी को पीएम मोदी की करप्शन मुक्त भारत के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बताया बड़ा कदम। बुलंदशहर, करेंसी नीति और 2000 के नोटबंदी पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, भ्रष्टाचार नहीं चाहते, 2000 का नोट बंद हो, नोटबंदी का फैसला लिया जाए, सस्ता मकान मिले, नल से जल मिले। कर्नाटक हार की समीक्षा की जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी नगर निकाय में बंपर सफलता मिली है। आगामी लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीट भाजपा जीते, ऐसे रास्ते तैयार किए जा रहे हैं। 2000 की नोटबंदी को पीएम मोदी के करप्शन मुक्त भारत के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बताया बड़ा कदम। 2000 के नोटबंदी पर बोले डिप्टी सीएम, 2000 का नोट के बंद होने से देश में करप्शन कम होगा। डिप्टी सीएम ने कहा, 2000 के नोट के चलन से बाहर होने से सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी लोग परेशान हैं। डिप्टी सीएम बोले, मैं पीएम मोदी के इस फैसले की सराहना करता हूं। बुलंदशहर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का करप्शन पर वार। जल जीवन मिशन में गड़बड़ी पर डिप्टी सीएम सख्त। डिप्टी सीएम ने टास्क फोर्स की गठित। टास्क फोर्स 10 गांवों में पहुंचकर करेगी गड़बड़ी की जांच। पावर कॉर्पोरेशन की गड़बड़ी पर बोले डिप्टी सीएम, पावर कॉर्पोरेशन में गड़बड़ी की शिकायत मिल रही है, जांच होगी और जो भी दोषी होगा वह दंड पाएगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, यूपी में भारी भरकम निवेश आ रहा है। देश में यूपी को नंबर 01 बनाने में ये बड़ा कदम है। पीएम मोदी की अगुवाई में हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थान बनाने में कामयाब हुए हैं। जापान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का स्थापित होना सराहनीय और ये दुनिया में देश के कद को बताता है। 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क बनाकर तो कीर्तिमान स्थापित किया ही गया है। पिछले 9 वर्ष में से NHAI में रिकॉर्ड काम हुए हैं। पहले बिजली आती नहीं थी, अब जाती नहीं थी, ये कमल के फूल के खिलने का ही परिणाम है। और आपको एक बात और मैं साथ में बता दूं, जिसके बाद अगर आपका कोई सवाल होगा तो वो जरूर मैं जवाब दूंगा। 2023 के नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो ऐतिहासिक सफलता बुलंदशहर सहित प्रदेश में जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, डबल इंजन सरकार के द्वारा जनता की गई सेवा के आधार पर मिली है, उसके लिए जनता का आभार भी प्रकट करते हैं, कार्यकर्ताओं का अभिनंदन भी करते हैं। और उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है, सभी 17 नगर निगम आज भारतीय जनता पार्टी के महापौर, अधिकतम नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का सदन में बहुमत भी मिला है। और हम इसके आधार पर ये कह सकते हैं कि डबल इंजन की जगह ट्रिपल इंजन सरकार पूरी रफ्तार से, पूरी जिम्मेदारी से जनता की सेवा में कोई कमी नहीं रखेगी। लेकिन अगला चुनाव जो हमारा है वो 2024 का लोकसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव में जैसे हमें उम्मीद थी कि हम सभी 17 नगर निगमों में जीतेंगे और नगर निकाय के चुनाव में सपा बसपा कांग्रेस को पछाड़ेंगे, और उसके लिए जनता ने समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया और उसमें हम लोग कामयाब हुए। वैसे ही 2024 माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की देश में फिर से सरकार बनाने के लिए 80 की 80 लोकसभा सीटें भाजपा गठबंधन के साथ जीतने के लक्ष्य के साथ हम लोग प्रयासरत हैं, और हमें विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश तो पूरी तरह से देगा, देश भी देगा, लेकिन हम उत्तर प्रदेश की दृष्टि से आपको बता रहे हैं। कल एक बड़ा फैसला हुआ है जिसका सवाल आप सब करने की कोशिश करेंगे, मैं उस पर बोल ही देता हूँ पहले ही। 2000 की जो नोटें हैं कल रिजर्व बैंक के माध्यम से, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का संकल्प है, उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और उस कदम के क्रम में 2000 की अब नई नोटों को छापा नहीं जाएगा, लेकिन जो 2000 की नोट किसी के पास है वह उसकी नोट कागज का टुकड़ा नहीं है, वो उस नोट का अभी उपयोग होता रहेगा और सितंबर तक उसका उपयोग लोग करेंगे। तब तक जमा करना या 2000 नोट के बदले जाके बैंक में नोट लाने का काम करेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के इस फैसले का स्वागत करता हूं, और इससे जो काला धन एकत्र करके जो तमाम देश के विकास के कार्यों में बाधा बनते थे उस पर भी लगाम लगेगी। मेरी ओर से अभी इतना आप सब लोगों को कहना था। यहां पे जिले में आयुष्मान भारत कार्ड के अंतर्गत अच्छा रिजल्ट है, 80% से अधिक लोगों का कार्ड बन गया है, लगभग 62 करोड़ रुपए के इलाज कराने